हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैगनीट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन चाहे हम किंडी गार्डन की बात करें क्लास ट्वेल्व की और वी टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और सम स्पेशल कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स सो वी हैव गॉट एवरी फॉर यू एंड यू डो नॉट हैव टू पे अ पेनी फॉर एनी ऑफ दिस कोर्सेज नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक वर्क बुक यूनिट 10 so we have already completed the first nine units i hope you are prepared well for your exams and now we are going to start with unit 10 so the first comprehension text that we have is very easy when we think of tourism, we think primarily of people who are visiting a particular place for sightseeing, visiting friends and relatives, taking a vacation and having a good time. जब हम tourism की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है ना कि आप जो है group of people या individually आप कोई sightseeing के लिए गए हो, कोई different city गए हो, vacation के लिए गए हो, friends and family के साथ गए हो, just to have a good time.

हुआ पार्टिसिपेटिंग इन अ कन्वेंशन मतलब कोई एक मीटिंग के लिए अगर कहीं गया है अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस और सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी उसको भी हम टूरिज्म कहेंगे जैसे कि लेट्स से दैट यू आर विजिटिंग यूएसए ठीक है अगर आप यूएस गए हो कैनेडा गए हो वहां पे और कैनेडा में आपने क्या किया आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हो तब भी आप टूरिस्ट ही कहलाओगे

और इधर पे जो है इस तरीके से एक कंफर्टेबल जो है चेयर्स लगी रहती हैं ठीक है ठीके? इस तरीके से जो है चेयर्स लगी रहती हैं जिस पे यू कैन सिट एंड आपको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे क्रॉस करा दिया जाता है सो इवन दिस हियर इज अ मीन ओ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेदर पीपल ट्रेवल बाय वन ऑफ दीज मीन्स और बाय कार मोटर कोच कैंपर ट्रेन मोटर बाइक और बाइसिकल दे आर टेकिंग अ ट्रिप एंड दस आर एंगेजिंग इन टूरिज्म ओके नेक्स्ट सो नाउ वी हैव गॉट क्वेश्चन सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग अ टूर टू अ प्लेस अंडर एक्सपर्ट गाइड यस फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस यस फॉर विजिटिंग अ प्लेस फॉर साइट यस सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव बाई हाइकिंग इन वाइल्डनेस द ऑथर मीन्स इसका मतलब क्या है हाइकिंग इन वाइल्डनेस का मतलब क्या है टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन अबेंडेंड एरियाज Walk in forest areas, marathon in uninhabited uh, areas, or sprinting in abandoned, in uninhabited areas. The answer is walk in the forest areas. Cruise ship? Kya hoti hai It is a large ship that carries mail, goods, and first aid facilities, or it is a large watercraft for carrying passengers from one point to another. A big ship that carries people and goods on special mission. और लास्ट शिप दैट कैरीज पीपल ऑन वॉइजेस ऑफ प्लेजर सो आंसर इज ये एक लार्ज वॉटर क्राफ्ट होता है जिसमें लोगों को और सामान को आप मूव कर सकते हो देन वी हैव वॉट ऑल एक्टिविटीज डू टूरिस्ट एंगेज इन टूरिस्ट किस किस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं So tourists engage in various activities based on their interest. Some people like sightseeing, lagta hai, visiting friends, sunbathing, touring etc. Those who are more adventurous indulge in adventurous sports. Some tourists are participants in a business convention while some are on study tours. Okay? What are the forms of transportation tourists use for visiting places? concept forms of the transportation. Ke. So tourists use different means of transport such as flying in a jet or hiking. They also use chairlifts in at like chairlifts at high altitudes. Cars, motor coach camper, train, cruise ship, motorbike are some other means of transport used by them. Okay. Next is so we have got our first reading comprehension done. Second hair. रीड दर्व एंड ऑनसर आंसर द्वेश्चन यहाँ पे जो आपने देखा होगा यहाँ मैंने ब्रैकेट्स में कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये जो येलो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं इनकी मीनिंग्स ऑलरेडी आपके वर्कबुक में दिए हुए हैं अ लिटिल आफ्टरनून ऑन दैट डिस्टिंग सैटरडे सो अ लिटिल आफ्टरनून एक आफ्टरनून ऑन दैट डिस्टिंग्विश सैटरडे मतलब हम एक पर्टिकुलर सैटरडे की बात कर रहे हैं आई रीच्ड द शिप एंड वेंट ऑन बोर्ड मैं शिप पे पहुंचा और बोर्ड कर लिया मैंने ऑल वाज बसल एंड कन्फ्यूजन हर जगह रश हो रहा था बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन था द पियर वाज क्राउडेड विद कैजेस एंड मेन पियर मतलब क्या होता है जो पानी में शिप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया जाता उसको है उसको पियर कहते हैं पैसेंजर्स वाइविंग एंड हरिंग ऑन बोर्ड सब लोग सामान ही सामान हो रहा था लोग ही लोग हो रहे थे सब आ रहे थे बोट कर रहे थे द वेल्स डेक्स वे सो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वेसिल किस को कहा जाता है शिप को कहा जाता है शिप को वेसल कहा जाता है सो so जो वेसल का डेक था मतलब शिप का जो डेक था ये जो पूरा जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना जहाँ से आप बोट करते हो वो इट वॉज इनकम इनकम्पर्ड का मतलब धक्का रही थी। इं, इंपीड करना मतलब क्या होता है? बहुत ही एकदम इधर धक्का पड़ रहा, रहा है उधर धक्का पड़ रहा है विथ ट्रंक्स एंड वेलिसिस सबके पास सामान थे वेलिसिस मतलब ये जो बगे आपका बैग होता है कैरी बैग होता है वो देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सकर्शनिस्ट अब ये बैग्स थे ग्रुप ऑफ एक्सकर्शनिस्ट एक्सकर्शनिस्ट वो लोग होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर जगह जाते हैं लेकिन सुबह जाके शाम को वापस आ जाते दे डोंट स्टे देयर आ रेड इन अनैक्टिव ट्रैवलिंग कॉस्ट्यूम सब ने एकदम कोई ऐसा बहुत अट्रैक्टिव नहीं आया वहीं ट्रैवलिंग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे वह मोपिंग मोपिंग का मतलब क्या होता है वैंडरिंग इधर उधर बिना एम के घूम रहे हैं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है एंड स्पेशली जब वो अनहैप्पी या बोर्ड हो रहे हैं अबाउट इन अ ड्रिसलिंग रेन और हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड लुकिंग एज ड्रूप एकदम ऐसा लग रहा है सब में कोई जान ही नहीं है कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है एंड वेबगॉन एज सो मैनी मोल्टिंग चिकन्स वेबगॉन का मतलब होता है वेरी सैड और मिजरेबल अब मोल्टिंग चिकन्स क्या होते हैं चिकन्स जो होते हैं ना उनका एक पर्टिकुलर फेज आता है वेन दे स्टॉप लिंग एग्स जब वो एग्स नहीं देते तो उस टाइम पे वह बहुत ग्लूमी हो जाते हैं बहुत सैड से हो जाते हैं तो उस तरीके से सब घूम रहे थे नेक्स्ट वी हैव द गैलेंट फ्लैग वॉज अपना बड़ा फ्लैग था शिप के ऊपर वो ऊपर था बट इट वॉज अंडर द स्पेल टू लेकिन वो भी अंडर द स्पेल था अंडर द स्पेल मतलब उसके ऊपर भी जैसे किसी ने मंत्रोच्चारण कर रखा था यहाँ इसका मतलब है कि वो भी ऐसा सैड और ग्लूमी लग रहा था

अ शॉर्ट एक्सकर्शन मतलब एक छोटी सी जर्नी आप ट्रिप के लिए लेते हो लेजर एक्टिविटी करने के लिए सो देर वॉज नो गेन सेंग दैट बिकॉज द प्रोग्राम सेट सो इट वॉज सो नॉमिनेटेड इन द बॉन् बट इट श्योरली हैड इन द जनरल एस्पेक्ट ऑफ वन प्रोग्राम कह रहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ लेजर एक्टिविटी एन ऑल लेकिन वहाँ पर लेजर जैसा हैप्पीनेस जैसा कुछ भी नहीं था इट ओनली हैड दट डि नॉट इवन हैव द जेनरल एस्पेक्ट ऑफ इट मतलब वो देख के ही एकदम सैड सी फीलिंग आ रही थी

What was the mood of the people on the ship? Gloomy, sad. So the general mood of the people seemed a bit down. The travelers on the deck were wearing unattractive costumes and had an air of sadness. It was drizzling and the weather made the scene even more gloomy. Or drizzling or gloomy feel What was the author looking forward to? Author kya मतलब आगे क्या देख रहा था वो द ऑथर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ प्लेजरेबल ट्रिप एज द प्रोग्राम सेट सो हाउ एवर द जनरल एस्पेक्ट ऑफ फेलो ट्रेवलर प्रॉमिस्ड अ ग्लूमी एक्सकर्शन देर वॉज अ लिटिल और नो एक्साइटमेंट अमंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमको ये वर्ड्स को फ्रेजेस के मतलब ये वर्ड्स या फ्रेजेस को इन आइटम्स से मैच करना है सो लेट्स डू दिस यहाँ पे हम आंसर सो दिस Peer. तो यहाँ पे सबसे पहले जो पियर होता है डेक तो दिस इज नॉट अ पियर दिस इज मास्ट ठीक है मैंने इसे चेंज तो किया था ओके दिस हियर इज द पियर जो जहां से आप जाते हो एंड दिस इज वेलिस मतलब आपकी अटैची बैग नेक्स्ट वन इज वो कैबलरी सो मैश द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए कॉलम बी तो यहाँ पे लुक फॉर का आई एम लुकिंग फॉर माई बैग आई एम सर्चिंग फॉर माई बैग लुक अप टू शी लुक्स अप टू यू क्योंकि तुम उसको एकदम आइडल लगते हो लुक अप टू मतलब हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन लुक फॉरवर्ड ओ आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा वेट करना लुक अप मतलब क्या होता है टू ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम लुकिंग अप मतलब जैसे मैंने विकीपीडिया में ढूंढ रही हूं तो मैं बोलूंगी आई एम लुकिंग अप फॉर दिस Next is अब यहां पे जितने भी वर्ड्स हैं, अगर हम इनका सफिक्स जो एज है उसे हटा दें, तो वर्ड क्या बनेगा कैरी एज का बन जाएगा कैरी कवरेज का कवर, का hermit, का और मैरी ओके नेक्स्ट इज री राइट द फॉलोइंग सफिक्स का ब्यूटीफुल कलर कलरफुल ड्यूटी ड्यूटीफुल रिवेंज रिवेंजफुल

कु गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्टीकल्चर एट द इवेंट यहाँ पे लोग जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं अगेन दिस इज सिंपल प्रजेंटेंटेट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया आर रिप्रेजेंटेड एज दिस इवेंट एंड द फ्लोरस शो केज द बेस्ट ऑफ दॉर्टिकल्चर एट द शो तो ये भी अगेन क्या है सिंपल प्रेजेंट जहाँ पे बहुत सारे स्टेट जो है उन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है दे आर रिप्रेजेंटेड राइट तो ये पैसिव वॉइस में है इसीलिए आर रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है अदरवाइज दिस इज अ सिंपल प्रेजेंटेंस ठीक है नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजर सेड दैट सेवरल इवेंट्स आर लाइंड अप फॉर संडे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं हैं अगेन ये पैसिव वॉइस है इसीलिए आर लाइंड अप लिखा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया

तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है अब है एंट्री टू द शो हैज बीन मेड फ्री फॉर ऑल अगेन पैसिव वॉइस है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउ दिस ईयर इट्स द पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स दैट हैव बीन ग्रैबिंग ऑल सो इट द पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स दैट हैव बीन ग्रैबिंग So, ये जो है सब सारे कर रहे हैं। तो एट है स्टडी कंडक्टेड बाई नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बैक इन नाइनटीन एटी नाइन दैट सम इंडोर प्लांट्स कुड भी एक्सट्रीमली यूजफुल इन कंट्रोलिंग द एयर पॉल्यूशन बाय एक्टिंग एज अ वैक्यूम क्लीनर पॉल्यूटेंट्स एंड जैसे स्नेक प्लांट है तो वो क्या करता है, कर है, है पास even so, तो um, you know, so, को बता रहा है ठीक है अब है डी टॉक्स प्लांट विच एक्ट एज वैक्यूम क्लीनर्स इन साइड द हाउस

comma Religious from small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, and then we have put a semicolon. Why? Because we have again partially break the sentence with fruit sellers, comma flute sellers, comma hawkers of postcards. Again, a semicolon. अब आगे आगे शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलिस एंटीक्स। फिल्म सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट ऑफ द फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न साउंड बाइसिकल बेल्स रिंग स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स वेंडर शाउट आउट देयर वेज तो यहाँ पे जो हमने ना ये सब जगह लगाए हुए हैं ना सेमी कॉलम ये क्यों जैसे मैंने फ्लास बोला बर्ड्स बोला तो ये एक कैटेगरी हो गई फिर मैं कैटेगरी को तोड़ के जब यूटेंसिल्स की बात कर ली हूँ बात कर रही हूँ एंटिक्स की बात कर रही हूँ तो अगेन क्या हुआ यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुई तो मैंने सेमी कॉलम यूज किया है क्लियर नेक्स्ट इज लिस्निंग पार्ट पे आ जाते हैं सो लिसन टू द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोसोर्स गोइंग टू रीड रीड इट टू यू you have to listen a visit to bhitar kanika the sun was warm but the sea breeze kept up its cooling effect all along soon the steamer turned away and anchored near a creek by the river the muddy fringe and the mangrove vegetation declared the gateway to the bhitar kanika wildlife sanctuary in odisha

मडी फ्रेंच एंड द मैनग्रोव वेजिटेशन डिक्लेयर द गेट वे टू दिटार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा ओके अब क्रिक क्या होता है अ नैरो एरिया ऑफ वॉटर वे फ्लोज इन टू द लैंड नेक्स्ट इज द स्टीमर कुड नॉट नेगोशियट दीज क्रीक्स एट लो टाइड अब जो स्टीमर था वो इन क्रीक्स में लो टाइड में नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था सो अमिलर मोटरबोट वॉज हायर्ड टू फेरी आस टू द डंगल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन द हार्ट ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट तो क्या हुआ एक सिमिलर मोटरबोट जो थी वो हमें दी गई थी ताकि हमें कहा लेके जा सके वो डंग कहास्ट मतलब उसके एकदम बीचो बीच फ्रॉम द मोटरबोट वी है गुड लुक एट अ लार्ज क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन मोटरबोट से हमने क्या देखा एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो सन में एकदम अपने आप को ताप रहा था द बोट मूव ऑन टेकिंग टू द फॉरेस्ट बोट चलती गई हम फॉरेस्ट के और अंदर चले गए तो ऐसा लगा हम एक टाइम वॉल्प के अंदर फंस गए हैं इन दिसम एंड मिस्टीरियस प्लेस बर्ड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लमेज अपेयर बिफोर दस प्लमेज का मतलब क्या होता है बहुत ही अलग अलग कलर्स वाले फॉर द मोमेंट वीज ए वेल्ड इन द मैग्फिफिस ऑफ नेचर विच हैड कम्प्लीट

द इवनिंग सन वॉज बिगनिंग टू पेंट द ट्री लाइंड गोल्ड एंड अब्रूडिंग साइलेंस एनवल तो जो है जैसे होने वाली थी तो पूरा जो नजारा था उसका ऐसा लगता है इनगल्फ कर लिया हो और पूरा जो सन का जो ऑरेंज और गोल्डन कलर का जो इवनिंग का कलर होता है उससे ऐसा लगता है सब कुछ बस गया है उसमें ओके okay, अब हमारे पास क्वेश्चन है वेयर वॉज द ऑथर गोइंग The author was going to the Bhita, uh, Bhita Kanika Wildlife Sanctuary in Odisha. Where was the forest rest house and how did the group manage to get there? So, kahatha, the Dangmal Forest Rest House was in the heart of the mangrove forest. They travelled on a steamer and later on a motorboat. Which creature? Sabse un of the crocodile? Hai na? Wo kya tha? It was basking in the sun.

Stood like soldiers witnessing the tourists roaming around. What were the cheetle deer and the wild boar doing when the motorboars went past them? So cheetle deer kya leaves and wild boar kya succulent roots. Raha tha. So the cheetle deer was grazing on fresh leaves and a herd of wild boar was spotted searching for succulent roots. अब आते हैं हम नेक्स्ट उसमें शॉर्ट स्पीच ऑन द फॉलोइंग एंड शेयर इट इन द स्कूल असेंबली सो दो टॉपिक्स हैं पहला टॉपिक है ट्रेवलिंग इट ऑफस यूर हंड्रेड जोड्स टू एडवेंचर एंड गिवस योर हार्ट विंग्स ठीक है इट लीव यू स्पीचलेस देस यू इन टू द स्टोरी टेलर Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness. And many of our people need it solely on these accounts. So, upko traveling ke speech hai ki importance of travelling and how you feel. So, respected principal, teachers, and my dear friends, I'm here to speak on travelling. Travelling opens up your heart and mind about the world. द डाइटफुल एक्सपीरियंस इज दैट आ वेट अ पर्सन विन ही ट्रैवल्स ऑफन इम्पार्ट विजडम तो जब ये जो डिलइटफुल एक्सपीरियंस होता है जिससे ना आपको जब आप एक इंसान जब ट्रैवल करता है तो उसको बहुत सारी समझ आ जाती है पीपल ट्रैवल फॉर साइट सींग फ़ॉर पिलग्रमेज फॉर बिजनेस और पर्सनल रीजन्स लोग या तो जगह घूमने जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या बिजनेस या पर्सनल रीजनस के लिए घूमने जाते हैं traveling means leaving your comfort zone behind and getting into the unknown territory it brings new challenges of language culture lifestyle terrain that helps a person to learn something new and enrich their mind it adds to a person's experience person ka experience add ho jata hai. it broadens our minds as we move beyond our narrow prejudices आइडियाज एंड एंगेज डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स तो ये हमारे जो है ना हमारी विचारधारा को भी बढ़ा करता है जब हम दूसरे दूसरे लोगों से मिलते हैं अलग अलग कल्चर के क्रीड कास्ट कलर तो हमारे लिए क्या होता है एक तरीके से हमारा जो एक माइंड फ्रेम होता है वो और ब्रॉडन हो जाता है नाउ थे ट्रैवलिंग इज एजुकेशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रैवलिंग मीन आप सीखते भी हो और बहुत कुछ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है इट ऑल्सो ब्रिंक्स अस क्लोजर टू नेचर हमें नेचर से भी क्लोज कर देता है वी अप्रिशिएट द लेक्स ओशंस माउंटेन्स एंड सनसेट्स मोर वेन वी आर ट्रैवलिंग अब यही चीज़ें जो नॉर्मल रोज हम देखते हैं माउंटेंस या फिर सनसेट्स यही चीज़ जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं

या आप ऑफिस के किसी लोग से मिल रहे हो जब आप अपनी ट्रैवलिंग स्टोरीज शेयर करते हो तो आप इजीली बॉन्ड कर पाते हो पीपल हु ट्रैवल विद फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिलीज क्रिएट मेमोरीज दैट लास्ट अ जब आप अपने के साथ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो आप जिंदगी भर के लिए मेमोरीज क्रिएट कर लेते हो ट्रैवलिंग इज अ ट्रेनिंग फॉर वन सोल एज वेल एज फॉर बॉडी इट रेज द हार्ट एंड ब्रिंग्स प्लेजर फॉर एवर ओके अब जो सेकेंड टॉपिक है वो है द टूरिज्म सेक्टर कैन बी अलाइन विद द पॉलिसीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें क्या होता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिटीज है उस पॉलिसी उनके साथ अलाइन किया जा सकता है तो इस पर भी हम देख लेते हैं द टूरिज्म सेक्टर कैन बी अलाइन विद द पॉलिसीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट The tourism sector is thriving and has become a booming industry. ये जो पुरास sector है वो बहुत फटाफट आगे बढ़ रहा है और एक booming industry बन गई है जो हमें काफी सादा पैसा दे रहा है. Millions of people travel for pleasure as well as for business and people are spending huge amounts of money to ensure they have a pleasant trip. सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, right? कोरोना में जब लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे तो almost they they got insane. और वापस जब Everything is back to normal, so they want to travel a lot. और uske liye they are spending a lot. Sustainable tourism refers to the idea of visiting a place as a tourist and making an effort to leave a positive impact on the environment, society and economy. Sustainable, sustainable uh, tourism का मतलब है कि आप किसी जगह पे गए हो, घूमने गए हो as a tourist, और वहाँ जाके आप एक positive impact छोड़कर के आ रहे हो। द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफन बेयर द बॉन्ट ऑफ हाई फूड फॉल्स एंड पीक सीजन जैसे टूरिज्म के जो जितने भी डेस्टिनेशन होते हैं जो हाई टूरिस्ट सीजन होता है उसमें वो जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा वेयर आउट हो जाती है देर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसज विच लीड्स टू ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स सामान ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रहने की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी वजह से रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोइट करते हो

राइट right. अब वहां इतने लोग जा रहे हैं कि एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो इतना डिफिकल्ट है वहां पे ट्रैफिक होने लग गया है तो इसकी वजह से वहां पे इकोलॉजिकली जो है वो इम्बेलेंस होता जा रहा है सो रिसेंटली द हिल स्टेशन इन शिमला वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ एक्यूट वाटर स्का इन दिस रीजन रिसेंटली शिमला जो है न्यूज में था क्यों क्योंकि वहां पे पानी की किल्लत हो गई बुकिंग्स व कैंसल्ड बिजनेस एंड टूरिस्ट व स्ट्रेंडेड मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। इट पुट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनिंग टूरिज्म विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज जुडिशियसली यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज शुड बी प्रायरटाइज एंड कॉन्शियस बिजनेसेस शुड गेट प्रेफरेंस Tourists should also support and respect the local cultures and traditional values. It would build the path towards responsible and sustainable tourism. Now, let's move ahead. So, writing section read, watch the advertisements on tourism. You can also watch the Kerala tourism advertisement film, A Reading Room with a View, which is on the cultural diversity of Kerala. द फिल्म इज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म इन सिक्सटी सेकेंड कैटेगरी एंड द प्रेस्टिजियस क्यूरियस अवार्ड्स अब आपको एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है अपने सिटी के लिए या स्टेट के लिए टूरिज्म को प्रमोट करते हुए सो हेयर इज अ वेरी सिंपल एडवर्टीजमेंट डेली एक्सप्लोर द वर्ल्ड सिटी गोज ऑन पराठाज इन पुरानी डेली शॉप एट कनाट प्लेस टिल यू ड्रॉप विजिट द टूम्स इंड कियाज वी हैव समथिंग फॉर एवरी वन

timetable on the home stretch call it a day book in advance travel over travel through travel light any port in a storm stop over etc so here we have the answer it was 2 in the morning when we started our final journey towards guru Dongma lake which is 18000 feet above sea level it was easy to drive on mountain roads in darkness iri matlab Natha. The light began filtering in thodi thodi light. Aa rahi thi. we could see frozen mountain peaks, frozen river, and also Chinese soldiers watching the vehicles. When we reached the lake, it was a sublime experience. Matlab, bahut hi experience tha. The oxygen was less at that altitude, so we took deep breaths and walked slowly. Our sneakers could not keep out the cold and we kept stamping our feet to keep them warm. Matlab, the lake was entirely frozen except for a small area. There was also a small temple near the lake. We clicked pictures and just gazed speechlessly at the marvelous view before us. Soon it was time to return to Gangtok. We took a deep breath, took some selfies and left. And that is it here we are done with unit 10 of class 9th workbook. आई होप यू आर क्लियर विद दिस अब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ठीक है सो इफ़ यू हैव बीन टू अ प्लेस एंड इफ यू हैव एवो विजिटेड अ प्लेस विच यू रिमेंबर दैन राइट इट डाउन यूज द वर्ड्स वो कैबलरी वर्ड्स आपको दिए गए हैं राइट इट डाउन एंड शेयर इट विद मी बिकॉज आई वुड लव टू रीड इट अव कोई भी मिस्टेक होता है तो आई एल करेक्टेड ठीक है सो एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विद यूनिट इन लेवन सो स्टेट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बाय